एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत हमने पूरे ज़िले में एक अभियान के तौर पर इसको लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो 19 तारीख से जो IPL संदर्भ शुरू होने के बाद यह आशंका जो हो रही थी कि जो क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले हैं सक्रिय होंगे, हमारी टीमें लगातार इस पर काम कर रही थी। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के वक्त जो हमें तस्दीक की और उसके बाद हमने आज जो कार्रवाई की है, इसमें पूरे ज़िले में टोटल 13 सटोरिए पकड़े गए हैं जिनके विरुद्ध 11 प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है। लगभग 20 लाख के उपकरण और 25,01,055 रुपये कैश बरामद हुआ है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितना प्राइमा फेसाई जो चीज़ें आई हैं लगभग 2,88,00,000 रुपये के आसपास का हिसाब भी हमें मिला है और हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। ये लोग सामान्य तौर पर जो ऑनलाइन सट्टे का जो काम करते हैं, कई सारी ऐप बेस्ड कंपनी हैं, ऐप है उनके थ्रू करते थे। साथ ही साथ जो एक ट्रेडिशनल जो मोबाइल डिवाइस है जिसमें 8-10 लाइनों की लेट कर काम करते हैं, एक प्रकरण में उस तरह की भी कार्रवाई की नहीं। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस पर हम आगे भी आगे इनका क्या नेटवर्क रहा है इसको खलन जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो कार्रवाई हो एक जगह से कि अलग अलग जगह? नहीं, मैंने आपको ऐसे बताया कि 13 लोगों के खिलाफ 11 जगहों में कार्रवाई है, 11 प्रकरण दर्ज हुए हैं, मतलब 11 जगह ये कार्रवाई।